ये देखो भाई नाइट सीन यहाँ का, ये है ओरिजिनल ताज होटल यारो। ये है जेट बोर्ड, जेट की स्पीड में नहीं चल रही हो बात अलग है, बट है वो जेट बोर्ड। क्या चीज़ है ये आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताना मुझे। सो हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव और झूठ बोल रहा है गेटवे ऑफ इंडिया। तो आज तो भी हम कवर करेंगे, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। ट्रेन पकड़ने की खाई में मैं मेरी फैमिली के साथ में गलती से लेडीज़ डब्बे में चढ़ गया था। उसके बाद से मैंने उन लोगों को फिर से लेडीज़ डब्बे में स्विच करवाया और मैं दोबारा से जेंट्स डब्बे में आ गया था। तो वो एक थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गई थी, उसके बाद में फिर हमारा सफ़र शुरू था। फाइनली हम लोग गाड़ी से निकल गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं चर्चगेट की तरफ, है ना बेटा। फाइनली गाइस हम लोग चर्चगेट स्टेशन पहुंच गए हैं, फिर आप देख सकते हैं, और से बाहर से टैक्सी पकड़ेंगे। टैक्सी से हम लोग जाने वाले हैं गेटवे। सिमरा हाय बोलो। हाय बोलो। हम लोग जा रहे हैं गेटवे, पहुंच चुके हैं। और ये क्या चीज़ है ये आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताना मुझे, और देखते हैं फिर आगे क्या है। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? बहुत टाइम के बाद आना हुआ है यहाँ पर, और मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट हम लोग कब आए थे, बहुत सालों के बाद आए थे, मतलब हो गए कुछ 10 साल के करीब। हम लोग जब शादी हुई थी तब। ये है ओबेरॉय होटल और सामने ही हमारा गेटवे का पूरा व्यू है, और ये है ताज होटल। फिर बॉम्बे फेमस, शायद ही कोई होगा जो इसको नहीं जानता होगा। ये देखिए बलून, ये क्या चीज़ है भाई? कैसे दिए अंकल? 20 का है, दे दो एक दिन। 50 के 3 दे दो। ये देखो सिमरा की डील हो रही है बलून वाले के साथ में। अंकल इसको कैसा बुलाना, मुंह से फूल जाएगा ना। है यहाँ की लोकल बस तो पूरे मुंबई का दर्शन कराती है। देखिए आप लोग इसमें भी बुकिंग करा सकते हैं, 75-150 की कुछ इसका टिकट है। मैंने तो कभी ट्रैवल नहीं किया यारो, एक्चुअली जो बॉम्बे में नए होते हैं ना उन लोगों के लिए ठीक रहता है। सिमरा की शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है। कैसे दिए? मशीन से चलता है। देखो सिमरा की खुशी का हाल। सिमरा दिखाओ बेटा फेस आपका। और मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे ये सारा सिस्टम शुरू हो गया है। हम लोग जब भी पहले कभी भी आए हैं तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे नहीं था। ये रहा हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, काफ़ी महीनों बाद, इनफैक्ट काफ़ी सालों बाद यहाँ पे आना हुआ है यार। ये वीकडेज़ का क्राउड है, ठीक है, अगर हम वीकेंड में आते हैं सैटरडे संडे को पता नहीं क्या होता था। ये रहा भाई ताज का फ्रंट लुक, देख लीजिए आप अगर दूसरी किसी सिटी से देख रहे हैं, शहर से देख रहे हैं। भाइयों ये है अपना ताज का व्यू, ताज होटल, आप सभी को पता ही होगा, जो नहीं होगा मेरे वीडियो के थ्रू देख लें। तो यारो ये है जेट बोर्ड, जेट की स्पीड में नहीं चल रही हो बात अलग है, बट है वो जेट बोर्ड। ये देखिए ये हमारी बोर्ड जो है अब पूरी तरीके से चलने शुरू हो गई है। ये है ओबेरॉय होटल और ये रहा ताज होटल। यारो देखो यार, मतलब बाहर से फ़ोन हटाने का मन नहीं कर रहा, इतना ज़बरदस्त व्यू है। जहाँ तक नज़र घुमाए सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। ये देखो यार काफ़ी बड़ी सी बोट दिखी, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं। ये है एलिफेंटा, ये देखिए दोस्तों ये है एलिफेंटा। ये देखो भाई नाइट सीन यहाँ का, ये है ओरिजिनल ताज होटल, ये मुंबई के गेटवे पर है। और ये है ओबेरॉय होटल और मेरे पीछे है गेटवे, जो कभी काफ़ी ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा बिकॉज अभी अंधेरा हो गया है। सो फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों से अपनी फैमिली से शेयर करें। थैंक यू सो मच।